स्वागत है आपका सामना लाइव न्यूज चैनल में। खबरें देखने पहले चलते हैं हेडलाइंस की ओर। टीकमगढ़ जिले में मिला तीसरा कोरोना पॉजिटिव मरीज। सिमरा खुर्द में मंडी प्रबंधक और सर्वेयर लगा रहे प्रशासन को चूना। अब खबरें विस्तार से। टीकमगढ़ जिले में मिला तीसरा कोरोना पॉजिटिव मरीज। टीकमगढ़ जिले के बद्देवगढ़ तहसील के ग्राम इकबालपुरा मोहनगढ़ में एक युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इस युवक को पहले से ही कोरोना संदिग्ध होने के कारण क्वारंटाइन सेंटर बल्देवगढ़ में रखा गया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर जिले में कुल मरीजों की संख्या 3 हो गई है। जिले के कलेक्टर ने जनता से अपील की है कि जिले की समस्त जनता जिला प्रशासन द्वारा जारी समस्त आदेशों का पालन सुनिश्चित करे। घबराने की जरूरत नहीं है, कोरोना वायरस के लड़ने के लिए सभी तरह की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसमें किसी भी हमारे क्षेत्र के निवासी को डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। केवल शासन द्वारा जारी निर्धारित गाइडलाइन और एडवाइजरी का पालन करना आवश्यक है। डॉक्टर एम के प्रजापति, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला टीकमगढ़, आप सभी का सादर नमन करता हूँ। मेरे कार्य क्षेत्र के अंदर टीकमगढ़ जिला और निवाड़ी जिला दोनों सम्मिलित हैं। आज टीकमगढ़ जिला में एक धनात्मक रोगी पाया गया, जिसको कोरोना का कोई लक्षण नहीं है। बिना लक्षण का ये मरीज है, धनात्मक आने पर उसको शासन की गाइडलाइन के अनुसार कोविड केयर सेंटर, जहां पहले से दो कोरोना के धनात्मक रोगी देखभाल हो रही है, वहां पर इसको भी शिफ्ट कर दिया गया। बाकी इनके जो पारिवारिक थे, उनके 3 सैंपल निगेटिव आए हैं। मैं आपसे यह भी विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप सभी को मीडिया में प्रचारित व प्रसारित खबरें में सुना और पढ़ा होगा कि कोरोना के लगभग 70 से 80% रोगी जो धनात्मक पाए गए हैं वो बिना लक्षण के हैं या उनमें बहुत ही कम तीव्रता के लक्षण पाए गए हैं। ऐसे लोगों को शासन ने अपनी गाइडलाइन में उनको एक निश्चित नियमानुसार घर पर ही रखकर इलाज करने की अनुमति भी प्रदाय की गई है। और जो भी बाहर से व्यक्ति आ रहे हैं, उनमें लक्षण पाए जाने पर ही सैंपलिंग और उनकी जांच की विधिवत प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कर्मचारियों की मिली भगत से प्रशासन को लगाया जा रहा है चूना। सिमरा सोसाइटी में बगैर छाने मिट्टी और कचरा वाला गेहूं भरा जा रहा बोरों में। टीकमगढ़ जिले की पलेरा तहसील अंतर्गत ग्राम सिमरा खुर्द सोसाइटी में समिति प्रबंधक और सर्वेयर की मौजूदगी में बगैर छना हुआ घटिया क्वालिटी का गेहूं बोरियों में पैक किया जा रहा है। जब मीडिया द्वारा सर्वेयर से इस बारे में जानकारी मांगी तो प्रबंधक और सर्वेयर का कहना है कि जो भी गेहूं बोरियों में पैक किया जा रहा है वह गेहूं सही है। सर्वेयर की लापरवाही उजागर होने के बाद भी अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहा है और तानाशाही दिखाते हुए कहता है कि हमें जिस तरह का गेहूं लेना है हम ले रहे हैं। भेजोगे कचरा जी तो पड़ा था। अरे ये तो आपने ऊपर झाड़ू लगाई, ये है ये, यहाँ से जो मरी पिछिया निकल रही वो कहाँ जाएगी? नीचे नहीं, वो कहाँ जाएगी? देखिए ना, पूरी में जो मंडी में सर्वे द्वारा लापरवाही की जा रही, इस बारे में आपका क्या कहना है? मैंने वैसे छलना लगे हैं, दो दो तीन दिन ना छलना लगाते हैं, छानते हैं, ऐसे हमको तो कोई शिकायत नहीं मिली है। हमारे जितने भी ट्रैक्टर रखे हैं यहाँ पर, तो वैसे हम भी से शुक्ला जी तेजला साहब भी आए थे, सबके सामने छन के ही पूरा माल लिया जा रहा है। जो फ्रेश माल है वो भली डंप करके और तलाई करते हैं। लेकिन जो बोरियों में माल चेक किया गया है अभी, तो उसमें तो बहुत सारा कचरा पाया गया है उसमें तो। नहीं नहीं, अब जो तो आपको कितनी बोरियां गिनाए जिसमें कचरा नहीं, कचरा है? नहीं नहीं नहीं, हमें तो नहीं देखा अभी ऐसा बोरी ऐसी जिसमें।
हमारे सामने सारे डाला है, पूरे डंप किए हुए हैं ट्रैक्टर, आपने भी देखे सारे, मतलब भरा हुआ कचरा आपको दिखाई नहीं दे रहा है? जितने भी आपने देखे आपने स्वयं देख लिया कि डंप पूरे है, छलना भी लगे, अगर आपने ना देखे हो तो आप बताओ, आपने स्वयं देखे ना पूरे ट्रैक्टर डंप है, सब कछु है।